ए स्टार्ट। तो देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को ही कंप्लीट किया हमने। इस रॉड की लेंथ हमको पता थी, इस रॉड की वेलोसिटी हमको पता थी, हमें मैग्नेटिक फील्ड पता थी। तो वेलोसिटी पता, लेंथ पता, मैग्नेटिक फील्ड पता, तो वोल्टेज आ गया बीएलवी से। समझना जरा, दिमाग पे जोर डालना, ये नहीं कि एकदम ठंडा ठंडा बैठे पड़े हैं। वेलोसिटी पता, लेंथ पता, मैग्नेटिक फील्ड पता, तो ये इक्वल टू बीएलवी से वोल्टेज आ गया, बात खत्म। फोर्स तक पहुंचना था। और हम जानते हैं किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब खींचा जाता है, या किसी वायर में करंट चल रही हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, लेंथ हो, तो एक फोर्स लगता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा। और वायर रखा है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर, तो वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, 90, 90, इसलिए साइन 91 हो गया। तो फॉर्मूला बचा खाली कितना, आई बी एल। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना, आई बी एल। आई हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, ये तो याद रख ही सकते हो तुम लोग, रखना पड़ेगा। तो करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज कितना है यार, 0.15 लाए हो, अभी तुम ही लाए हो। रेजिस्टेंस कितना, 3। आई इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इंटू बी इंटू एल। वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, लेंथ पता है, बचा क्या यार, फिर सॉल्व करना ही तो रह गया। तो फोर्स को जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3.75 3.75 इंटू 10 की पावर -6। 10^-3 बेटा, मेरे -3, 3.75 × 10^-3 न्यूटन, -3 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, चलो भाई यहां तक हो गया क्लियर। तो हम लोगों ने अभी कौन कौन से जो टाइप सीखे, सबसे पहला क्या देखा, दो फॉर्मूले। फिर देखा कि अगर कोई रॉड घूम रही है तो उसका रेट निकालो, रेट का मतलब फ्रीक्वेंसी, बात खत्म। 10 स्पोक्स वाला था, एक का निकाल लो, फ्रीक्वेंसी वाला लगा के 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। फिर क्या था, ये व्हील डिस्क थी, डिस्क घूम रही है, इसमें वोल्टेज तक निकलवा के रेजिस्टेंस दे रखा था, वो करंट भी पूछ रहा था। लो भाई, करंट भी निकाल ली थी हमने, हटाओ। इस वाले 3 केस थे कि अगर सीधे मैग्नेटिक फील्ड दे रखी हो डायरेक्ट, वर्टिकल तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल, जैसे काटना है काट दो, आंसर। इस वाले केस में दिया कुछ नहीं है, एंगल दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दी, तो कटवा रहे हैं तुमसे वर्टिकल, तो पहले वर्टिकल निकालो फिर फॉर्मूला लगाओ। पढ़ना जरूर एक बार, घर पे हो जाएगा क्वेश्चन। रोलर कोस्टर हवा में जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वर्टिकल कंपोनेंट जा रहा है, वर्टिकल में नहीं काट कटेगा, हॉरिजॉन्टल को काटेगा, तो हॉरिजॉन्टल निकाल लो, आंसर। इस वाले में क्या किया, एक रॉड को चला रहे हैं हम वी वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड को कट करते जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे दी, इसकी लेंथ दे दी, इसकी वेलोसिटी दे दी, तो पहले वोल्टेज ले आओ, वोल्टेज से करंट ले आओ, क्योंकि रेजिस्टेंस पता है, तो आई बी एल लगा दो, फोर्स निकाल लेंगे, आंसर। एक क्वेश्चन इसमें से कर दो, फिर मैं अच्छे वाले क्वेश्चन को आज कराऊंगा, फिर छोड़ूंगा तुम्हें। स्टार्ट करो। ये वायर है, इसके ऊपर एक दूसरा वायर रखा हुआ है पी क्यू। ये वायर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, इस वायर की लेंथ दे रखी है 2 मीटर, तुमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 50 × 10^-4 टेस्ला। रेजिस्टेंस तुमको दे रखा है पूरे सर्किट का 10 ओम, तो फोर्स बताओ कितना लगेगा और वोल्टेज बताओ कितना आएगा। करो जल्दी से, वेलोसिटी पता, लेंथ पता, मैग्नेटिक फील्ड पता, तो पहले ई निकालो, ई निकलने के बाद आई बी एल लगाओ, करके दिखाओ जल्दी से अभी। मैग्नेटिक फील्ड है, जल्दी करो। तुम्हारे हाथ से क्वेश्चन होंगे तभी कोई फायदा है, सर अभी मैं फाइव क्वेश्चन इंटू को टेन करता के रहूं तो माइनस कोई फायदा थ्री होता नहीं। सर फाइव क्वेश्चन इंटू तो टेन माइनस थ्री देखने क्या का, देख फोर सर, 4 न्यूटन, नहीं रहा क्वेश्चन, 5 × 10 की पावर -5, वीडियो ऑफ हो गई। -3 आ रहा। कोई बात नहीं, एक मिनट रुको, चलो हो गया सही। कितना टाइम लगाओगे यार तुम लोग आंसर बोलने में, तब कर क्या रहे हो, बता दो ई इक्वल टू क्या 5 × 10 की पावर फॉर्मूला होता है, -5। सही बता रहे हैं। हाँ जिस दिन सर, अभी ऑफलाइन में, जिस दिन ना तुम लोगों को मैं ऑफलाइन में, हो सकता है 15 से स्कूल खुल जाए रहने वाली बात है, तो मैं ऑफलाइन शुरू होऊंगा अगर पढ़ाना, एक एक लतियाओं को बता रहा हूँ तुम्हें, तो जल्दी जल्दी आंसर ही बता दो तुम लोग, जाने क्या पढ़ा, ई इक्वल टू क्या, बी एल वी, बी कितना 50 × 10 की पावर -4, लेंथ कितनी 2, वेलोसिटी कितनी 5,
तुम इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे जल्दी से, बताओ 5 + 10 10 का वो दो जीरो से यहाँ खत्म हो गया, तो 50 × 10 × 10⁻⁴ = 5 × 10⁻², वोल्ट, ये तो वोल्टेज आ गया। फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यार, IBL। अब तुम्हें समझाना थोड़ी किसी को पड़ोसी को कि साइन थीटा 90 होगा, ये होगा, टाइम क्यों लगाना उसमें। F = करंट क्या फॉर्मूला क्या होता है, करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड तुमको दे रखी है, लेंथ तुमको दे रखा है, तो फोर्स वोल्टेज कितना आ गया 5 × 10⁻², रेजिस्टेंस कितना है 10, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 50 × 10⁻⁴, लेंथ कितनी है 2, 10 × 5 = 50, तो F = कितना हुआ ये 5 × 5 = 25, 2 = 50, 50 × 10⁻⁶, या F = 5 × 10⁻⁵ न्यूटन आंसर। क्या नहीं आ रहा था ये आंसर, किसी का है ऐसा आंसर, नहीं है, सेम ही तो आया। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का 7 या 6 जो भी है, कहते हैं द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस, बताओ L या M, बताओ सेल्फ इंडक्टेंस किसे कहते हैं, L या M? L। हाँ L, ठीक। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब L, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन का मतलब L, ओके। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल हैविंग 200 टर्न्स, 200 टर्न्स का मतलब N इक्वल टू 200 इज 10 मिली हेनरी। अरे वाह, सेल्फ इंडक्टेंस जिसको L से शो करते हैं, सेल्फ इंडक्शन तुमको सिखा रखा है, जिसने भी वो चीज नहीं पढ़ी है प्लीज वो ग्रुप में वीडियो डाल रखी है मैंने, उस वीडियो को दोबारा पढ़ो, सेल्फ इंडक्शन क्लियर करो, न्यूमेरिकल अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो L की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 10 मिली हेनरी, हेनरी तो ऐसे लग रहा है जैसे पड़ोसी है कोई, 10 मिली का मतलब कितना 10⁻³ हेनरी हो गया L, L दे दिया, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया। कंप्यूट द टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स बताइए, कंप्यूट बताओ। लिंक्ड विद द क्वाइल आल्सो डिटरमाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्वाइल करस्पॉन्डिंग टू करंट ऑफ द 4 mA। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। देखो क्या कहता है, कहता है कि सबसे पहले तो टोटल फ्लक्स बताइए, सबसे पहले टोटल फ्लक्स बताइए, बताते हैं साहब। तो phi इक्वल टू, तुम्हें फॉर्मूला पता होगा एल आई, सुना है कभी या नहीं सुना है, जल्दी बताओ। सुना है? तो phi इक्वल टू एल आई, एल तुमको पता है, क्वेश्चन में करंट भी इसने दे रखा है, करंट कितने दे रखा है 4 mA, तो करंट इक्वल टू 4, मिली का मतलब 10⁻³ A, तो phi इक्वल टू एल आई, 10 × 10⁻³, करंट की वैल्यू 4 × 4⁻³, तो कुल मिला के phi इक्वल टू 40 × 10⁻⁶, तो phi इक्वल टू 4 × 10⁻⁶। इसकी यूनिट क्या लिखूं, -5, चलो बहुत बढ़िया। क्या यूनिट लिखूं इसकी, एक हिस्सा तो समझ में आ गया कि अगर क्या चीज सर, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी तो होती है शायद, कैसी टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है इसकी यूनिट, आइकल टू बी है, हाँ क्यों नहीं होता है, बिल्कुल वो भी होता है, क्यों टेंशन ले रहा हूँ, वो भी होता है, लेकिन वेबर छोटे में लिखने में क्या दिक्कत है। अब देखो देखो क्वेश्चन क्या बोला तुमसे, कह रहा है कि कंप्यूट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल, तो पूरे क्वाइल से कितना टोटल फ्लक्स निकलेगा वो बताइए, सही है, तो सुनना ध्यान से जरा। तो कह रहे हैं टोटल फ्लक्स कंप्यूट विद द क्वाइल, फिर कह रहे हैं तुमसे द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्वाइल कोरस्पॉन्डिंग टू द करंट ऑफ द 4 mA, सही है, समझना। तो कितने से कितने से निकला ये निकला फ्लक्स, phi इक्वल टू एल आई, तुमने इतना निकाल लिया phi इक्वल टू एल आई। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स देखे हैं तुमको 200, नंबर ऑफ टर्न्स तुमको देखे हैं 200। तो याद रखना एक बात, अब
याद रखना एक बात, अगर तुमसे कहें, अगर तुमसे कहें कि एक टर्न में से कितने में से एक टर्न में से कितना फ्लक्स निकलेगा बताइए, एक टर्न में से कितना फ्लक्स निकलेगा बताइए, तो क्या करोगे बताओ? N से डिवाइड कर देंगे। I divided by N. बात खत्म। तो मैं तुमसे कहूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स किससे, थ्रू द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब केवल एक हिस्से से, एक टर्न से कितना निकलेगा, ईच टर्न, ईच टर्न, अगर हर टर्न की बात करेगा ये तो टोटल हो गया, I equal to LI क्या होता है, टोटल फ्लक्स होता है। सर टोटल में नहीं, N से मल्टीप्लाई करेंगे। हैं? टोटल में तो ही मल्टीप्लाई होगा N से। हाँ सर। मतलब टोटल में कैसे मल्टीप्लाई होगा N से, जरा बताओ। अरे यार। सर जैसे हम कोई भी निकालते हैं चीज, फिर उसके बाद हमें टर्न्स के लिए निकालनी होती है, तो हम N से मल्टीप्लाई तो करते हैं। बहुत सही, अच्छा। तुमने कोई ऐसा फॉर्मूला सुना है कि पाई एनबीए, यहाँ पे इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो तुमको कोफिशिएंट और सेल्फ इंडक्शन दे रखा है डायरेक्ट, एल खुद ही उसने एल दे दिया ना, एल का मतलब क्या है कि सारी पूरी कॉइल की बातें तो उसने अपने अंदर खुद ही कंटेन कर रखी है, अब अलग से 200 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ की बातें हो रही होती, मैग्नेटिक फील्ड दिया होता तो यहाँ लगाते एनबीए, अब एल के टर्म्स में निकाल रहे हो ना, तो एल में तो ऑलरेडी तुम्हारा ये टोटल ही तो है, ये एल के टर्म्स में दे रखा है तो ये पूरा टोटल ही आया है, अलग से 200 से मल्टीप्लाई मत कर देना, तो फिर फायदा ही क्या हुआ, 200 से मल्टीप्लाई करो, 200 से डिवाइड करो तो इतना ही आ गया, ये कौन सी बात होगी, बुरा तो नहीं लगेगा कुछ कि 200 से मल्टीप्लाई किया था, एक टर्न से निकालने के लिए 200 से डिवाइड कर दिया, आंसर फिर वही पहुंच गए, नहीं एल के टर्म्स में दे रखा है, इसकी जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड देता, इसकी जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड देता तो फ्लक्स में फॉर्मूला में तुम एनबीए लगाते तो तुम्हारी बात से मैं सहमत था, लेकिन इस समय एल के टर्म्स में दे रखा है, जो फाई इक्वल टू एल आई होता है, फाई इक्वल टू एल आई होता है, वही टोटल फ्लक्स होता है, याद रखना हमेशा। अब नंबर ऑफ टर्न 200 है तो ईच टर्न में से कितना फ्लक्स निकलेगा, ईच टर्न में से बात करते हो गई फाई अपॉन एन निकलेगा, तो फाई कितना आया, 4×10^-5 आया, एन कितना है 200, काटो इसको 2×2=4, तो 2×10^-7, बात खत्म, वेबर। स्मॉल एन या कैपिटल एन? याद रखो, क्या चीज? एन स्मॉल है कैपिटल है? कैपिटल ही मान लो यार, नंबर ऑफ टर्न्स है वो तो टोटल, यहाँ पे यूनिट लेंथ की कोई बात ही नहीं हो रही, कैपिटल एन से टोटल की बातें हो रही हैं, टोटल एन है, सही है? अरे हमें पता कैसे चला कि यूनिट लेंथ पूछ रहा है? हमें कैसे पता चला, उसमें बोल रखा है, देखो ऑल्सो डिटरमाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन, अगर जो क्वाइल होगी, जो क्वाइल होगी उसके क्रॉस सेक्शन से बताओ कितना, क्रॉस सेक्शन से, तो क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है एक टर्न सिर्फ, तो क्या करोगे, उसी से पता चला, क्रॉस सेक्शन का ही मतलब है एक, ईच टर्न, उस सेंटेंस में से छुपा हुआ था ये, ठीक है सर? आंसर आ रहा है 2×10^-7 वेबर। जल्दी से क्वेश्चन करो, एल की वैल्यू तुमको दे रखी है 50 मिली हेनरी, नंबर ऑफ टर्न्स तुमको दे रखे हैं 1000, तो कहता है टोटल फ्लक्स बताओ, फिर तुमसे कहता है फ्लक्स अपॉन ईच टर्न बताओ, जल्दी बताओ ईच टर्न, जल्दी से अरे आई की वैल्यू तुम अपने मन से ले लो 15 मिली एम्पियर, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया, ये है 75×10^-8, इसी को 1000 से जब डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, सबका यही आया बच्चे, हाँ कि ना, सबका यही आया भाई, पक्का? यस सर, यस सर, चलो भाई।
गुड, समझ में आ गई बात? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर एल दे रखा है, आई दे रखा है, तो वही टोटल फ्लक्स होता है। ये जिंदगी भर याद रखना, टोटल फ्लक्स हो गया। ईच टर्न की बात करें या क्रॉस सेक्शन का नाम ले, तो ईच टर्न होता है, क्रॉस सेक्शन का नाम लिया ईच टर्न होता है। मैं यहाँ से कुत्ते जैसे भौंकूं तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। ईच टर्न या क्रॉस सेक्शन एक ही बात होती है। अगर ऐसी बात बोले तो हमेशा उसको नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर देना, एक टर्न से फ्लक्स आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी था, देखो कह रहे हैं करंट इन, क्या हुआ, करंट एक, ये होस्ट कौन था भैया? चलो मैं होस्ट बन गया, जनरेट करता हूँ। लो देखो एक मिनट, कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम? एक क्वेश्चन सुन लो आखिरी वाला, से जल्दी से करा लूँ सर, छोटे से करंट इन 10 मिली हेनरी, एक मिनट, करंट इन ए 10 मिली हेनरी क्वाइल इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू 1 एम्पीयर इन 0.01 सेकंड। कह रहे हैं एक 10 मिली हेनरी की क्वाइल है, 10 मिली हेनरी मतलब एल तुमको दे दिया, करंट चेंज हो रही है 0 टू 1 एम्पीयर। शुरू में करंट कितनी थी? 0, बाद में करंट कितनी हो गई? 1 एम्पीयर हो गई। कितना टाइम लगा? टाइम लगा 0.01 सेकंड लगा। तो पूछते हैं तुमसे सेल्फ इंडक्शन, इसमें वोल्टेज कितना बनेगा, इंड्यूस वोल्टेज बताओ। इंड्यूस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है माइनस का एल डी आई अपॉन तो जीरो आ रहा है, माइनस का एल जीरो वोल्ट जो नहीं आएगा, देखो वन वन माइनस का एल, एल कितना 10 मिली हेनरी, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, फॉर्मूला सामने रखा हुआ है, एल डी आई अपॉन डी टी। डी आई का मतलब चेंज इन करंट, वन से जीरो या जीरो से वन हुई तो चेंज आया वन का। टाइम कितना 0.01 सॉल्व किया, दो जीरो ऊपर बढ़ गए तो E इक्वल टू 3 जीरो से 3 जीरो गए सीधे सीधे, और बचा कितना 1, तो माइनस का 1 वोल्ट आंसर आ गया, कहानी खत्म। L दिया था, करंट में चेंज दिया था 0 टू 1, तो DI की वैल्यू हो जाएगी 0 टू 1 मतलब 1, 0 टू 1 का मतलब 0 माइनस 1 1, और टाइम कितना 0.01, सॉल्व किया आंसर आ गया, वोल्टेज की वैल्यू खत्म, कहानी ठीक है। जाओ अपना तुम लोग दूसरी कोचिंग पढ़ो फटाफट।